हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच 91 यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, BTUP की तरफ से लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जो कि दोस्तों 3/8/2021 को यहां पर आप लोग देख सकते हैं जारी की गई है। तो दोस्तों, क्या है इस नोटिस में जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये नोटिस जो भेजी गई है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा भेजी गई है। सभी प्रधानाचार्य के राजकीय अनुदानित या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के लिए ये भेजी गई है और दिनांक की बात करें तो दिनांक 3/8/2021 को भेजी गई है। ठीक है दोस्त, तो इस नोटिस में क्या है, इसकी विषय की बात करें तो वार्षिक पद्धति परीक्षा 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए जाने के संबंध में। ठीक है दोस्तों, वार्षिक पद्धति परीक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो फॉर्म यूराइज पोर्टल से भराए जाने के संबंध में ये नोटिस है। ठीक है, तो दोस्तों यहां से देखते हैं। महोदय, कतिपय संस्थाओं द्वारा वार्षिक पद्धति परीक्षा 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल पर ना भर पाने के कारण वार्षिक पद्धति परीक्षा 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले समस्त छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र यूराइज पोर्टल के माध्यम से भराए जाने हेतु दिनांक 5/8/2021 तक लिंक खोला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, संस्थाओं के द्वारा जो है यूराइज पोर्टल पर जो है कुछ छात्र छात्राओं की जो है परीक्षा फॉर्म नहीं भरी गई। ये दोस्तों वार्षिक पद्धति की मैं बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर पद्धति की नहीं। ठीक है, ये अपडेट जो आई है वो वार्षिक पद्धति के स्टूडेंट्स के लिए आई है। तो दोस्तों, वार्षिक पद्धति के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है 5/8/2021 तक उस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए डेट को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि अतः प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 5/8/2021 तक परीक्षा फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, 5/8/2021 तक आप लोगों की परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जो है लास्ट डेट है आप लोगों की। ठीक है, ये वार्षिक पद्धति स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यह अंतिम तिथि विस्तारित की जा रही है। परीक्षा आवेदन पत्र भराने हेतु पोर्टल किसी भी दशा में दोबारा नहीं खोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट है, लास्ट बार ये डेट बढ़ाई जा रही है 5/8/2021 की। ठीक है, और दोस्तों किसी भी हाल में बताया जा रहा है कि अब दोबारा पोर्टल नहीं खोला जाएगा। यदि किसी भी संस्था में कोई छात्र छात्रा परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधानाचार्य की है। ठीक है, यदि किसी छात्र छात्रा की फॉर्म नहीं भरा जाती है समय के अंतर्गत तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो संस्था के प्रधानाचार्य जी की है। दोस्तों, ये थी नोटिस में जो कि आई थी। इस नोटिस में कुल मिलाकर के कि वार्षिक पद्धति के स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है उन लोगों के लिए दोस्तों डेट जो है 5/8/2021 तक लिंक को खोल दिया गया है और दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, और दोस्तों बताया गया कि ये लास्ट बार आप लोगों की लिंक खोली गई है, अब इसके बाद में नहीं ओपन की जाएगी। अगर किसी भी छात्र छात्रा का फॉर्म छूट जाता है, वो नहीं भर पाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है प्रधानाचार्य होंगे उस संस्था के। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बहुदी में देख सकते हैं सिग्नेचर सुनील कुमार सोनकर सचिव जी का सिग्नेचर हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी नोटिस जो कि 3/8/2021 को आई थी। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नोटिस आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। ठीक है दोस्त, तो अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो BTUP से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।